हाय गाइस, हाउ आर यू? नमस्ते. मैं आज आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती हूँ. जी हाँ, जब मैं आपके साथ बात कर रही थी नवरोज़ मुबारक के दिन पे, क्या हुआ था काबुल के अंदर, देयर वर बमिंग्स बाय इस्लामिस्ट जिहादी टेररिस्ट, जहाँ पे 6 लोगों की हत्या हो गई थी. उसी दिन पाकिस्तान के अंदर 2 हिंदू लड़कियों को किडनैप किया गया था इन सिंध प्रोविंस. जी हाँ, मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक मौलवी अपने फॉलोअर्स, जो मोस्टली कंप्राइज कर रहे थे मुस्लिम आदमियों के, उनको कह रहा था कि कैसे उन सबको मिलकर इन 2 लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 2 लड़कियाँ अभी इस्लाम कबूल कर चुकी है. और मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि वो 2 लड़कियाँ सिर्फ 12 और 14 साल की थी, दे वर अंडर एज. तो ये मौलवी किस बेसिस पे 2 अंडर एज लड़कियों को कह रहा है और उनकी एक्शंस जस्टिफाई कर रहा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने निकाह भी कर लिया है विद 2 मुस्लिम मेन, और वो अपने फॉलोअर्स को कह रहा है कि आपकी ड्यूटी बनती है अब इन 2 लड़कियों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इनको थ्रेटनिंग हो रहा, इनको थ्रेटनिंग कॉल्स या थ्रेटनिंग धमकियाँ मिल रही हैं फ्रॉम देयर पीपल बिकॉज उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मौलवी इज सपोज टू बी अ लर्नेड पर्सन इन इस्लाम. तो अगर ये 2 लड़कियों को अगर प्यार भी हो गया है विद दीज मुस्लिम मेन इन पाकिस्तान, तो ये मौलवी की ड्यूटी बनती है टू टेल द गर्ल्स कि वो अंडर एज हैं और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाएं, क्योंकि एज अ मौलवी ही कैन नॉट मिसडायरेक्ट देम एंड एक्चुअली गेट देम मैरिड टू मुस्लिम मेन जबकि वो 18 साल की नहीं है. एंड वो ये बात को कम्प्लीटली इग्नोर करके कह रहा है अपने फॉलोअर्स को कि अभी आप बैठ के इन 2 लड़कियों को प्रोटेक्ट करिए क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है. तो मतलब क्या, इस्लाम के अंदर 12 और 14 साल की लड़कियां का शादी या निकाह विद मेन इज़ अलाउड? आई एम जस्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चन बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल होता है आपके धर्म में कि नहीं. बट ऑब्वियसली हिंदू धर्म में तो चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया है, और इंडिया के अंदर तो फेमिनिस्ट ने बहुत ड्रामा किया अबाउट द चाइल्ड मैरिज एंड द सती प्रथा जो हिंदू धर्म में होती है. तो इस्लाम में कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं एज अ मौलवी द निकाह ऑफ गर्ल्स एज 12 एंड 14 टू मुस्लिम मेन? साथ साथ में आप कह रहे हैं कि इन लड़कियों को धमकी मिल रही है फ्रॉम देयर फैमिली, जबकि मैंने उनका फादर का एक वीडियो देखा जहाँ पे दैट पुअर फादर इज क्राइंग हिज हार्ट आउट इन अ वीडियो आउटसाइड अ पुलिस स्टेशन, यू नो, आस्किंग फॉर सम एक्शन टू बी टेकन बिकॉज उनके हिसाब से उनकी लड़कियों को जबरदस्ती यू नो किडनैप किया गया है, और ये शॉक में उनकी मम्मी का भी देहांत हो गया. And obviously now the External Affairs Minister Sushma Swaraj ji has asked for an inquiry into this incident. तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि how can a Maulvi from Pakistan justify a marriage or a निकाह of a girl, of 2 girls जो 12 और 14 साल की हैं, 2 Muslim men, चाहे whatever the reason हो, चाहे वो लड़कियों को बहकाया गया हो, चाहे वो लड़कियाँ actually उन लड़कों के प्यार में भी क्यों ना हो, because मौलवी तो समझदार है ना, मौलवी तो 12 साल का नहीं है ना, तो वो बैठ के कैसे ये बात को यू नो ओके कर रहा है इन फ्रंट ऑफ हिज फॉलोअर्स जो ऑब्वियसली कंप्राइज करते हैं ओनली मुस्लिम मेन इन दैट वीडियो. सो दैट इज अ वेरी शॉकिंग फैक्टर. इसके अलावा ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कैसे न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग हर ओन एफर्ट्स विच शी थिंक्स इज करेक्ट टू जस्टिफाई द क्राइस्ट चर्च शूटिंग. वो ऑब्वियसली एक मुस्लिम प्रेयर ऑफ कॉल उसने अरेंज किया, अ नेशनल मुस्लिम प्रेयर ऑफ कॉल इन अ पार्क, जहाँ पे ऑब्वियसली उसने खुद हिजाब पहना एंड लोगों को आई थिंक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि कैसे वो मुस्लिम इमिग्रेंट्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड. बट अगर वो आपका पार्ट है जसिंडा आर्डन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, तो फिर आप अपने हिसाब से अपना कल्चर त्याग करके उनका कल्चर अडॉप्ट करने के लिए क्यों इतनी उत्सुक है? Why are you so desperate to wear a hijab?
आप एक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, जी हाँ, आपके कंट्री के अंदर बुरा हुआ वो मुसलमान प्रेयर ऑफर करने वाले सिविलियंस को, वो न्यूजीलैंड शूटर को कोई राइट नहीं था गोली मारने का, मगर आप वो इंसिडेंट को एज अ वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स का इंसिडेंट क्यों बना रहे हैं? आप अपना न्यूजीलैंड का कल्चर सैक्रिफाइस करके मुस्लिम प्रेयर कॉल करके एक पाक के अंदर हिजाब पहन के वर्ल्ड मीडिया को क्या प्रूव करना चाहते हैं कि क्या न्यूजीलैंड हैज बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ न्यूजीलैंड? बिकॉज आप ऑब्वियसली अपने इमिग्रेशन लॉज को तो चेंज नहीं कर रही, क्योंकि आपको शायद ये मुस्लिम पॉपुलेशन से अपनी वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स बढ़ानी है, जबकि नेटिव्स न्यूजीलैंड के अपसेट हैं विद द इमिग्रेशन ऑफ दीज मुस्लिम नेटिव्स इन न्यूजीलैंड, मगर आपको उसके ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं करनी मगर आप अगर उनके लिए सॉरी भी हैं तो आपको खुद हिजाब पहन के ये मुस्लिम प्रेयर ऑफ कॉल एज अ नेशनल इवेंट करने की क्या ज़रूरत थी? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस ड्रामा? ये तो मुझे एक रियलिटी शो जैसा ड्रामा लग रहा है जो आप कर रहे हैं। एंड साथ साथ पे मैंने एक लेडी जो वहाँ की पर्सनालिटी है, केटी हॉपकिंस का एक वीडियो देखा जहाँ पे वो पार्क के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर जो भी मुस्लिम्स आए थे फॉर दैट कॉल ऑफ प्रेयर, एंड वहाँ पे एक प्रॉपर लाइन थी जहाँ पे आदमी आगे थे और औरतें पीछे थी। तो ये न्यूजीलैंड है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है? क्यों वहाँ पे औरतें आदमियों के पीछे खड़ी थी? इस्लाम के अंदर ऐसा क्यों होता है कि औरतें आदमियों के पीछे खड़ी होती है? सो दैट इज अ रिग्रेसिव ट्रेडिशन। तो अगर आप इंडिया के फेमिनिस्ट हिंदुइज्म को रिग्रेसिव प्रूव करने के लिए ऑस्कर तक चले जाते हैं और ऑस्कर में भी मेंस्ट्रुएटिंग विमेन के ऊपर आप पिक्चर बनाते हैं क्योंकि आपको सबरीमाला इशू को हाईलाइट करना है, तो आप फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया ये प्रथा को कैसे रिग्रेसिव नहीं मानते हैं कि एक गैदरिंग के अंदर, एक मुस्लिम गैदरिंग के अंदर औरतें आदमियों से पीछे खड़ी रहती है एंड देयर इज अ डिमार्केशन लाइन? सो दैट इज नॉट इक्वालिटी, दैट इज नॉट जेंडर इक्वालिटी। सो ये एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस है। तो दो रिग्रेसिव प्रैक्टिस मैंने नोटिस करी जहाँ पे दो अंडर एज लड़कियों के निकाह को मौलवी जस्टिफाई कर रहा है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के अंदर, और दूसरी जगह न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जब मुस्लिम प्रेयर ऑफ कॉल की गैदरिंग करती है एज अ यू नो एज इवेंट टू काइंड ऑफ शो हाउ न्यूजीलैंड इज सॉरी फॉर द क्राइस्ट चर्च शूटिंग्स, तो वो इवेंट के अंदर वाई आर द मुस्लिम वुमेन स्टैंडिंग बिहाइंड द मुस्लिम मेन? वाई आर दे नॉट स्टैंडिंग टूगेदर और साइड बाई साइड? आप खुद प्रमोट कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी इन न्यूजीलैंड। जैसिंडा आर्डन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हैज मेड न्यूजीलैंड एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ न्यूजीलैंड, और मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है फॉर द नेटिव्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज उनको एक्चुअली नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। एंड दोज पीपल हु ट्राई टू मेक फन ऑफ हिंदुइज्म, आप सबसे पहले ये तो देखिए कि इस्लाम के अंदर ये इतनी रिग्रेसिव ट्रेडिशंस अभी तक प्रैक्टिस की जाती है, वन इन पाकिस्तान एंड सेकेंड इन न्यूजीलैंड। सो समथिंग टू थिंक अबाउट। हैव अ ग्रेट संडे। नमस्कार।